तो जैसे ही भी यहाँ इसे देख के बगल में रुके हैं, वैसे ही हमें यहाँ पे इसमें ये साइड में अपने पीछे ये सुरंग टाइप की ये गेट दिखाई दिया। ये आपको मैं बैक कैमरा से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, देख सकते हैं ये ताला लगा हुआ है और ये गेट है। ये नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग पर। दोस्तों आज हम आप लोगों को लेके चलते हैं इटावा जिले में स्थित सुमेर सिंह किले पर। जी हां दोस्तों, इस किले के बारे में कहा जाता है कि जब अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में विद्रोह छेड़ा गया था तो उस समय में इटावा इस विद्रोह का मुख्य केंद्र रहा था। और इटावा की उस दृष्टि से देखा जाए तो ये किला मुख्य सिंधु था, बेंद्र था, जिस पे आज हम चलने वाले हैं सुमेर सिंह किले पर। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो में आगे, और वीडियो को ऐसे ही पूरा लास्ट तक देखते रहिए। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं सुमेर सिंह किले के बारे में, जिसको बाद में दोबारा पुनर्निर्माण करके बनवाया गया है। मुलायम सिंह की सरकार आने पर मुलायम सिंह जी ने इस किले का पुनर्निर्माण करवाया था। तो चलिए दोस्तों आप हमारे साथ और देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे, हम लोग पहुंच चुके हैं ऊपर सुमेर सिंह किले के ऊपर पहुंच चुके हैं। ये आप पीछे हमारे किला देख सकते हैं और नीचे ये गांव देख सकते हैं, जो गांव बसा है। पीछे हमारे जमुना जी बह रही हैं, जमुना जी के तट पर ये किला बसा हुआ है, पीछे ही जमुना जी बह रही हैं। और ये हम इस किले के ऊपर पहुँच चुके हैं। अभी हमने जैसा कि है यहाँ पे क्या है कि 2016 में इस किले को, इस स्थान को VIP गेस्ट हाउस बना दिया गया था। तो जब से इसमें नॉर्मल पब्लिक लोगों की घुसने की, घूमने के लिए इसमें वर्जित ही रहता है। तो हमने यहाँ पे बात की, अंदर जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, गार्ड अंकल, उनसे बात की हमने यहाँ, तो उन्होंने बताया कि अंदर इसमें अलाउड नहीं है, बाहर से आप बना लो बनाना। तो ये हम बाहर ऊपर किले पर पहुँच चुके हैं। और भी जानकारी इस वीडियो में हम आपको इस किले के बारे में देने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये सामने जो आप देख रहे हैं उस टीले पे भी दो बने हुए हैं गेस्ट हाउस, जिन्हें बोला जाता है। एक इधर बना है, एक उधर बना है। ऊपर ये आप जो इधर देख रहे हैं, ये सामने इस पे सीधा चले जाते हैं, आगे जाके हवाई पट्टी, वो जो उसे हेलीपैड बोलते हैं, हेलीपैड बना हुआ है। और ये इधर ये चोटी पे ऊपर किला बना हुआ है। दोस्तों इस किले को बारह द्वारी किला भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस किले में 12 द्वार बनवाए गए थे, जो कभी किसी ने नहीं गिन पाए हैं, जिनके बारे में हमेशा रहस्य ही रहा है। कभी वो गिनने पर 11 निकले हैं तो कभी वो 13 निकले हैं। 12 द्वारी किला, ये और भी कई जगह बने हैं भारत में। ये किला कोई 12 द्वारी 12 गेट से इसकी नहीं, मेन इसकी संरचना से बात प्रक्रिया रहती थी। इसमें क्या है, जो इसकी 12 द्वारी संरचना की जाती थी, ये किले वो होते हैं जिनमें उसके तोड़ का कोई भेद नहीं होता है, वो अभेद होते हैं, उन्हें कोई भी कोई कभी जीत नहीं पाता है। जैसा कि दोस्तों हम लोग सुमेर सिंह किले से नीचे पहुंच चुके हैं, नीचे आ चुके हैं। ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये पुलिस चौकी बनी हुई है। और नीचे ये हमें आते ही यहाँ पे ये बना दिखा हुआ है सामने, ये पीछे हमारे बरामदा टाइप का ये क्या बना हुआ है, इसे देख के हम रुक गए। तो जैसे ही भी यहाँ इसे देख के बगल में रुके हैं, वैसे ही हमें यहाँ पे इसमें ये साइड में अपने पीछे ये सुरंग टाइप की ये गेट दिखाई दिया। ये आपको मैं बैक कैमरा से दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये सुरंग टाइप की ये दिखाई दी है, इसमें एक गेट लगा हुआ है लकड़ी का छोटा सा, और उसमें एक ताला डला है सांकड़ी से बंद के। ये आप देख सकते हैं ये ताला लगा हुआ है और ये गेट है। ये कहा जाता है जो सुरंग ऊपर किले से आती थी नीचे जमुना के घाट पे, जो यहाँ की रानियाँ और यहाँ के जो लोग अंदर के महल के लोग हुआ करते थे, वो बाहर आते थे किले से, तो ऐसे ही इन्हीं सुरंगों का सहारा लेके वो लोग बाहर आते थे। और ये आप साथ में इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये देखिए ये बरामदा बना हुआ है। अब ये पता नहीं बरामदा है क्या है, इसका क्या किया जाता, मेरे हिसाब से तो मुझे जो लगता है कि इसमें सेना या कोई सिपाही वगैरह रुकते होंगे। ये देखो शायद ये पता नहीं किसके लिए है, क्या टांगने के लिए है, भाला वगैरह रखने के लिए है या जो कुछ भी हो, लेकिन आप ये देख सकते हैं ये क्या है। ये
पूरे ये इसके तीनों चारों पांचों द्वारों पे लगी हुई। ये देखिए आप इसका, ये मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ, ये पूरा बरामदा टाइप का बना हुआ है, ये उसी टाइम का है। ये ऊपर पहाड़ी पे ऊपर किला बना हुआ है, ये नीचे ये देखिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, इस किले से चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और हाँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारे ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती जाए जल्द से जल्द। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।